हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी सेमिस्टर फिफ्थ बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 2021 और 22। टोटल दो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 2021 और 22। तो जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है वो 2021 का है, देन जो आ जाता है दूसरा वो 2022 का है। आपका यूट्यूब पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड 21-22 के, तो वहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस मिसमैच कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन मैच कर लो अगर आपको कोई डाउट वाउट है तो। एंड हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको स्किप किया है। दोनों क्वेश्चन पेपर में टोटल दो क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिकल थे, एक 2021 में एक था, एक 2022 में एक था। ठीक है, तो दोनों पेपर में एक एक था जिसमें टेबल्स बने हुए थे और हमें टेबल्स वगैरह बना के प्रैक्टिकल क्वेश्चन शो करने थे। तो क्या है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो आप एक वीडियो में समझ भी नहीं सकते या फिर देख के पढ़ के नहीं समझ सकते, उसके लिए लिटरली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा तो जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किया है, तो टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे दोनों पेपर में, तो सिर्फ वो इतने स्क्वायर, दोनों मिला के दो थे। ठीक है, एक इसमें था एक उसमें था, दो क्वेश्चन स्किप किए हैं। बाकी जितने भी थ्योरी क्वेश्चन थे और जिसमें छोटे मोटे डायग्राम्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना। जितने भी आंसर्स है क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन है। किसी एक क्वेश्चन में ए और बी भी है, किसी में और में भी है, तो मैंने सारे कवर किए हैं। हाँ, मैं बीच में बोलूंगा नहीं कि हाँ ये ए वन क्वेश्चन का और वाला पार्ट है या फिर ए पार्ट है या बी पार्ट है। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा और आप नोट करते रहना। अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि हाँ ये क्वेश्चन ए का ए पार्ट है बी पार्ट है, तो वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। कल एग्ज़ाम है हमारा, तो सारे क्वेश्चन मस्ट पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज शोन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा 2021 के क्वेश्चन पेपर में। तो ये आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, नोट करो, पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आपकी मर्जी। देन आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is budget line? What is slope? Explain consumer equilibrium with the help of indifference curve. ये आ जाते हैं उसके answers. Then next question आ जाता है हमारा, explain the law of variable proportion and its application. And then इसका answer ये रहा. और फिर next question आ जाता है, explain the relationship between average cost and marginal cost with the help of diagram. तो ये रहा उसका answer. इसको आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट, ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म इन द मार्केट, एंड ये रहा आंसर, आप देख सकते हो। अगर मैं आंसर पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी रेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड देन उसके बाद आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। तो ये रहे सारे आंसर्स। आराम से वीडियो को पॉज करके सारे एक बार क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ साथ पढ़ ही लो, 10-15 मिनट लगेंगे, आपका कवर हो जाएगा, बहुत कुछ समझ आ जाएगा, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल मोनोपोली, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें टोटल तीन शॉर्ट नोट दिए हो जाते हैं, जिसमें साथ शायद आपको या तो तीनों करने होते, किसी में जैसे 2021 में क्या था, तीनों करने थे। 2022 में मैंने देखा कि आपको दो करने हैं, तो ये राइट शॉर्ट नोट आ जाता है। तो पहला जो शॉर्ट नोट है वो नेचुरल मोनोपोली, इस पर शॉर्ट बनाना, हमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये रहा नेचुरल मोनोपोली पे शॉर्ट नोट। देन उसके बाद आ जाता है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जिसपे हमें शॉर्ट नोट बनाना है, इंटरनल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, राइट है शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इंटरनल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। देन इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आ जाता है जिसपे हमें शॉर्ट नोट बनाना है, Why production possibility curves are concave to the origin? Under what condition would it be convex and linear? नहीं नहीं, ये नहीं है, इस पर शॉर्ट नोट नहीं बनाना। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, तो ये रहा लास्ट था। यहाँ से जो शुरू हो जाता है why production possibility curve, ये हमारा जो है 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है 2022 का क्वेश्चन पेपर, why the production possibility curve are concave to the origin? Under what condition would it be concave and linear? तो 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ये देख लो इसको, ये सिंगल था, इसमें कोई और या ए बी पार्ट नहीं था, सिंगल क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मिक्स्ड इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर विद रेफरेंस ऑफ इंडिया, इंडिया का रेफरेंस देते हुए आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के समझाना है कि क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है,
ये रहा आंसर, देख सकते हो, पढ़ लो इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट ईयर भाई 2022 में आया था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 8 रुपीज पर यूनिट टू 5 रुपीज पर यूनिट, द कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 16 यूनिट, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर द कॉमोडिटी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसका आप आंसर देख लो, मैं दिखा रहा हूँ आराम से देखो। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो कहता है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। ये रहा आंसर, देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, What do these economics turn into this economics? Discuss their natures and effect on pricing. देखो एक क्वेश्चन में वैसे 4-4 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है आपसे, तो पढ़ना तो बेटा पूरा पड़ेगा, पूरा सब कुछ एकदम अच्छे से, बट फिलहाल एक दिन रह गया तो यार ये पढ़ो, आपको बहुत समझ आ जाएगा, आपका बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शटडाउन पॉइंट विल ए फर्म अनेबल टू कवर पार्ट ऑफ इट्स फिक्स्ड सीज प्रोडक्शन इन ए शॉर्ट रन, ड्राइव द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया क्वेश्चन में, वैसे 2-3 क्वेश्चन को एक साथ मिला के पूछा गया, तो देखते रहना, ठीक है। तो ये आ जाता है, ओके गुड गुड, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हु इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन लॉन्ग रन, एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ये रहा उसका आंसर, इसको भी नोट करो, पढ़ते रहो, मजे मारो। एंड नेक्स्ट इज आ जाता है बैकग्राउंड स्लोपिंग सर्व सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन इन, तो ये लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, जहाँ पे आपको शॉर्ट नॉट्स बनाने, तो जो पहला शॉर्ट नॉट है वह है बैकग्राउंड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये रहा शॉर्ट नॉट, इसको भी नोट कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिशनर डिलमा राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन इट, प्रिशनर्स, ठीक है, ये देख लो यार। एंड देन इसके बाद आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन इट, इस पर आपको एक शॉर्ट नॉट बनाना है ब्रेक इवन पॉइंट, ये रहा उसका आंसर। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चन आंसर, सो मैंने दोनों प्रोवाइड करवा दिए, बाकी इसको देखो एंड कमेंट करो बॉक्स में वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि इनकम टैक्स में अगर किसी बच्चे की बैक आई है तो बेटा उसका भी क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको रिलीज करवा दूंगा, तो कल आपको मिल जाएगा चैनल पर, नहीं हो ताकि फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि कल आपको अपडेट सारे मिल जाए, ठीक है। एंड अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है तो मैं आपको बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, जिन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 7 वीडियो की, लगभग 10-10 मिनट की हर वीडियो, और उन्होंने इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। तो यार तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि वो चैनल कौन सा है, मैं आपको चैनल्स के नाम बताऊंगा, जिस पर जाकर आप एक दिन में स्टडी कर सकते हो, मतलब पूरा तो नहीं पढ़ोगे बट आपके बेसिक्स बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी कुछ समझ जाएगा कि यार क्या है ये, कैसे है, क्यों है। एंड उसके बाद आप ये पढ़ लोगे तो यार एकदम क्लियर रहेगा, आपको आपके अंदर ना मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ। तो ये 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने रिपीट करा दिए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ो देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टाटा बाय बाय।